हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ होने हुंडई की अल्कज़ार, और अल्कज़ार का ये है सिग्नेचर वेरिएंट जो कि आता है 1.5 टर्बो चार्जिंग इंजन के साथ में, साथ ही में डीसीटी गेयर बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है। आज इसका हम देंगे आपको एक डिटेल रिव्यू। मैं आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.5 टर्बो चार्ज एंड साथ ही में 1.5 डीजल इंजन। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और जानते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से क्या क्या इसमें आपको फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड डीआरएल्स आपको उस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती हैं, एंड इसी में आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इसी के नीचे आप देखते हैं तो हेडलाइट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ ही में ये एलईडी में आपको देखने को मिलने वाली है। ब्लैक क्रोम फिनिश में आपको आगे की फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। कलर की बात करूँ तो इसमें आपको 4 से 5 कलर देखने को मिल जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। एंड इसी के साथ में सिल्वर कलर में आपको लोगो मिल जाता है आगे हुंडई का। उसी के नीचे आपको कैमरे की भी प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है, एंड थोड़ा दूर से लेंगे तो आपको रडार मिल जाता है, चार चार पार्किंग सेंसर्स आपको आगे की तरफ मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है Level 2 एडास फीचर्स। तो एडास के जितने फीचर्स हैं वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आप देखते हैं तो बम्पर पे सिल्वर कलर की आपको स्केडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड बोल्ड फील कराती है इस गाड़ी के फ्रंट में, एंड दूर से कुछ इस तरीके से लगती है गाड़ी। बोनट देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा आपको बोनट देखने को मिलता है, काफ़ी सारी लाइनिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। वाइपर्स की अगेन बात कर लेते हैं एक बार, तो नॉर्मल से वाइपर्स आपको देखने को मिलते हैं चीप क्वालिटी वाले, यहाँ पे कोई एरो टेंट वाइपर्स आपको नहीं मिलने वाले। इसी के अलावा ऊपर की तरफ आपको वहाँ कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है, एंड साथ ही में इस गाड़ी में आपको ऑटो हेडलैम्प्स के साथ में रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल में चलते हैं, बात करते हैं साइड की। तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी इस गाड़ी की आपको लगने वाली है। 7 सीटर और 6 सीटर दोनों का ही ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, एंड फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लैडिंग आपको फॉरवर्ड की जाती है। जो बॉडी क्लैडिंग है वो इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक कलर्स में देखने को मिलेगी। अलॉय व्हील्स की बात कर लेते हैं, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। साइज़ की बात करूँ तो 18 इंचेस मिलते हैं। टायर प्रोफाइल आपको 215/55R18 मिलता है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको प्रॉपर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फेंडर पे आपको डीसीटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक डीसीटी वेरिएंट है, साथ ही में टर्बोचार्ज 1.5 है। इसी के अलावा ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको मिलेंगी। इस तरफ आपको कैमरा भी दिख जाता है, साथ ही में नीचे की तरफ पेडल लैंप भी आपको जो है वो देखने को मिल जाता है वाइट कलर के अंदर। एंड गाड़ी की डायमेंशन की बात कर लेते हैं, बात करूँ अगर अल्कज़ार के व्हील बेस की, 2741 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको बताता है कि इन कैबिन स्पेस जो है वो आपको ज़बरदस्त यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको क्या कुछ मिलता है वो मैं बता देता हूँ। रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही में NFC का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, NFC स्मार्ट की, वो आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लैक क्रोम में आपको डोर हैंडल्स जो है चारों ही देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल जाती है फंक्शनल, एंड इसी के अलावा आपको मिल जाता है पैनारामिक सनरूफ, एंड साथ ही में शाक्ति 90mm ग्लास एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे का क्वार्टर ग्लास भी आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं कि इसका रियर प्रोफाइल कितना खूबसूरत लगता है, आप ये देख सकते हैं। हुंडई का लोगो आपको मिल जाता है, अल्कज़ार की पैकिंग यहाँ पे मिल जाती है। कनेक्टेड टेल लैंप्स के साथ में ये जो रियर स्पेस है आपको ऑफर किया जाता है, आप देख सकते हैं इसमें कि काफ़ी प्यारा सा जो डिज़ाइन है आपको अलग तरीके से अपने यहाँ पे देखने को मिलता है। अल्कज़ार की बैजिंग आपको देखो अंदर की तरफ देखने को मिलती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। एंड इसी के अलावा आप ये कुछ पैरामेट्रिक डिज़ाइन भी यहाँ पे देख सकते हैं। टर्बो की बैजिंग आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है, साथ ही में वेरियंट की बैजिंग आपको सिग्नेचर इस तरफ देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ 4 रिवर्स सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। ईयर का जो आप थीम देख पा रहे हैं बम्पर की, वो आपको सिल्वर कलर में स्केडिंग वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी एक ना प्रीमियम और एक बोल्ड लुक इस गाड़ी में ऐड कर देते हैं जब आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं। साइलेंसर की आपको 2 टिप यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अलग चीज़ है। अब इसी के अलावा बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि पीछे की तरफ आपको शार्कफिन एंटीना मिल जाता है, साथ ही में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर वॉशर वाइपर आपको मिल जाता है। बूट स्पेस को भी एक बार देख लेते हैं, तो अभी पीछे की जो सीट्स हैं ऑलमोस्ट फोल्ड की गई हैं, उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना स्पेस आपको हुंडई अल्कज़ार के सिग्नेचर वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा आप इन सीट्स को भी ऊपर की तरफ कर सकते हैं। बाकी टूल किट की बात करूं तो आपको इस तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एंड गाड़ी का सबवूफर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा बूट स्पेस को बंद करते हैं एंड चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के रियर थर्ड रूम में एंड देखते हैं कि क्या स्पेस आपको ऑफर हो जाता है हुंडई अल्कज़ार के अंदर। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस गाड़ी की ये लगी है कि इसमें जो
सेवन सीटर गाड़ी है, एंड इसकी जो ये सीट है ना, जिसमें आपको दो बंदे बैठने का स्पेस मिलता है, वो भी आपकी इजीली यहाँ पे फोल्ड हो जाती है एक कुछ इस तरीके से। अब इजीली आप अंदर जा सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस जो है मेरे को काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक बार मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ कुछ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इस तरह। मेरी हाइट है करीब 5'7" के अप्रोक्स, और मेरे पास स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। एक बार आप देख सकते हैं कि अंडर थाई सपोर्ट तो देखो बिल्कुल नहीं मिलता, थर्ड रो में किसी भी गाड़ी में अच्छा खासा नहीं मिलता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा। बाकी कंफर्ट लेवल आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, प्रीटेंशनर्स आपको मिल जाती हैं पीछे की तरफ, डेडिकेटेड आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। एंड स्पेस की बात करूँ तो दो बंदे यहाँ पे वैसे बैठ सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी उनको अगर आप वो लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे। कंफर्टेबल आप इतना ज़्यादा यहाँ पे फील नहीं कर पाओगे। इसी के अलावा ग्लास एरिया आपको इस तरीके से कुछ मिल जाता है, पीछे की तरफ दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एसी वेंट मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। अब एक बार सेकेंड रो में देखते हैं चल के कि कैसा स्पेस आपको मिलता है। रो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से आपको गेट मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये कर्टन्स देखने को मिल जाते हैं सबसे अच्छी बात। एंड जो गेट का साइज है ना काफ़ी वाइड आपको मिलता है। सॉफ्ट टच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वगैरह देखने को मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम सा फील होने वाली है आपको ये गाड़ी। एंड डेडिकेटेड बॉटल स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, स्पीकर्स वगैरह आपको इसमें मिल जाते हैं बोस के। अब एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड सीट्स की बात करते हैं। दोस्तों ये जो गाड़ी है ना दो सीट ऑप्शंस में आपको मिलती है, 6 सीटर एज वेल एज 7 सीटर। 7 सीटर के अंदर मैं फिलहाल भी बैठा हुआ हूँ। एंड स्पेस की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, हालांकि ये सीट्स काफ़ी आगे हैं, अगर इनको मैं पीछे कर देता हूँ तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे मेरे को बच जाता है। इसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, ये कम्फी कम्फी सा आपको ये जो है ना ये भी चीज़ देखने को मिलती है। एंड इसी के अलावा तीन बंदे यहाँ पे इजीली एडल्ट जो है वो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेस रिलेटेड। काफी कंफर्टेबल सीट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली हैं। कन्वीनियंट के लिए आपको इसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, साथ ही में फोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर्स एंड को ड्राइवर साइड आपको ऐसी पार्सल ट्रे जो है ना वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इजिली कुछ भी रख के काम वगैरह कर सकते हैं अपना, और साथ ही में यहाँ पे मिल जाता है आपको कप होल्डर। तो इस तरीके से कुछ जो अल्कज़ार का रियर स्पेस है वो आपको मिलता है। गाड़ी के चलते हैं एक बार फ्रंट में ड्राइविंग सीट पे एंड बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स से रिलेटेड। के अंदर जाने से पहले बात करते हैं गाड़ी की के बारे में। तो इस तरीके से कुछ की आपको मिल जाती है, दोनों ही स्मार्ट की आपको ऑफर की जाती है। इसमें लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है, होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही में नीचे बूट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसको होल्ड करके रखेंगे तो बूट स्पेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं एक बार एंड बात करते हैं इस गाड़ी के डोर ट्रिम के बारे में। सबसे पहले काफी बड़ा आपको जो डोर है यहाँ पे मिल जाता है हुंडई अल्कज़ार के अंदर। सॉफ्ट टच की बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको अच्छी काफ़ी यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही में चारों डोर्स में आपको पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक करने की ऑप्शन, ORVM को एडजस्ट करने की ऑप्शन, मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जी हाँ, ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ना ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, आपको पावर्ड इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा आप देख सकते हैं स्टोरेज स्पेस के लिए जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं टोटल 8, चार डोर में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, दो टोटल्स मिल जाते हैं, एक स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आगे डैशबोर्ड पे, एंड एक सबवूफर आपको मिल जाता है रियर में। इसी के अलावा आप जो सीट्स देख रहे हैं ये पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट्स जो हैं वो आपको मिलती है 6-way एडजस्टमेंट के साथ में, इसे आप आगे पीछे एंड विथ मेमोरी फंक्शन भी आपको मिल जाता है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के बटन, एंड साथ ही में इधर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, एंड हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इधर मिल जाता है। इधर मैग्नेटिक सा आपको मिल जाता है फोन होल्डर के लिए। एंड चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार एंड एक एक करके बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में। ये गाड़ी ना 2024 में सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड वाली कार है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेरिंग व्हील से। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा जस्ट लाइक अ टॉय स्टेरिंग व्हील आपको मिल जाता है, विद पेडल शिफ्टर्स इस तरफ एंड इस तरफ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एंड इस तरफ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट एंड रीच की बात एक बार कर लेते हैं, तो हाइट आपको मिल जाती है, साथ ही में रीच भी आपको में मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है, डोर हज़ार वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एंड साथ ही में जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस बटन से। इस बटन को दबा के आप इस गाड़ी की सेंस फ्यूलिंग देख सकते हैं, कंपास देख सकते हैं, TPMS का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको किलोमीटर एंड इस तरफ आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। फ्यूल कंजप्शन वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं।
एंड इसी के अलावा मेन बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड के बारे में, साथ ही में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इस गाड़ी की जो थीम है वो ब्राउन और ब्लैक कलर में देखने को आपको मिलती है, काफ़ी प्रीमियम आपको फील कराएगा जब आप इस गाड़ी के अंदर आएंगे। एंड डैशबोर्ड में आपको इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ की तरफ आपको मिलेगी। एंड इसी के अलावा स्टोरेज स्पेस के लिए जगह मिल जाती है। आगे की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड इधर की तरफ बात करते हैं इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आपको 10.25 इंचेस का देखने को मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में ऑनबोर्ड नेविगेशन वगैरह भी आपको मिल जाता है, FM रेडियो, ब्लूटूथ नेविगेशन, सारा कुछ इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में वैली मोड आपको मिल जाता है, क्वाइट मोड वगैरह आपको मिल जाता है, Jio 7 वगैरह, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। एंड इसमें मिल जाता है आपको टू लिंक कनेक्टिविटी, जिसमें आप इस गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें ना एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फाइंड माई कार, गाड़ी का व्हीकल स्टेटस चेक कर सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल आप कर सकते हैं, OTA यानी कि ओवर द टायर अपडेट्स वगैरह जो हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं। गाड़ी का AC वगैरह ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा 2 AC वेंट्स आपको नीचे की तरफ मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है विद डुअल जोन AC के साथ में। उसी के नीचे आपको चार्जिंग पैड देखने को मिल जाते हैं एंड USB सॉकेट वगैरह मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, सी टाइप सॉकेट भी आपको मिल जाता है। ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप प्रेस करके स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, नॉर्मल में डाल सकते हैं, इको में डाल सकते हैं। 3 मोड्स आपको ड्राइव के मिलते हैं। ट्रैक्शन में आपको स्नो, मड एंड सैंड, ये 3 मोड आपको ट्रैक्शन में देखने को मिल जाते हैं। इसी के नीचे आप देखते हैं तो पार्किंग ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं विथ ऑटो होल्ड फीचर्स। अगर इस बटन को हम यहाँ से दबाते हैं तो इस गाड़ी का 360 कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ इस गाड़ी का आप 360 व्यू जो है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में हिल डिसेंट कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो जो कि सेफ्टी में आपको मिलता है। सेफ्टी की भी बात करेंगे, उससे पहले आपको टिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फ्रंट में दोनों ही आपको मिलती हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो कप होल्डर है वो देखने को मिल जाता है। 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। एंड आपको मिल जाता है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ आपको मिलता है। इस तरफ ग्लो बॉक्स में भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है विद कूल्ड फंक्शन। ARVM की बात कर लेते हैं तो ऑटो डिमिंग के फीचर्स के साथ में मिलता है। SOS कॉल के लिए एंड टोइंग के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी मिल जाती है इस तरफ। एंड सनशेड्स वगैरह आपको यहाँ पे रखने के लिए जगह मिल जाती है डेडिकेटेड। इस तरफ आपको टिकट होल्डर एंड इस तरफ आपको मिल जाता है एक बड़ा 780 मिरर। सनरूफ वगैरह कुछ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं इसकी, इस तरीके से कुछ सनरूफ गाड़ी का ओपन हो जाता है, जो कि पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल जाता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सा जो एरिया है ना वो आपका ये पैनारोमिक सनरूफ जो है वो आपका कवर कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको फीचर्स जो है इस गाड़ी में फुली लोडेड देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हुंडई अल्कज़ार के कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ABS विद ABD देखने को मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट देखने को मिल जाता है, हेल होल्ड देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स एंड कुछ इसमें Level 2 ADAS फीचर्स के भी आपको सेफ्टी वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है। Level 2 ADAS के आपको जितने भी फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ मिलते हैं। फॉरवर्ड क्लोजर वार्निंग आपको वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है, लेन की असिस्ट देखने को मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर देखने को मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी देखने को मिल जाता है। साथ ही में काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं इस बॉक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सराउंड व्यू मॉनिटर, ठीक है, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, रियर क्रॉस ड्राइविंग सिक्योरिटी। दोस्तों बात करते हैं हुंडई अल्कज़ार के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला आपको मिल जाता है इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन, जो कि 4 सिलेंडर होता है। दूसरा मिल जाता है इसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन, जो कि पेट्रोल का है, 1.5 TGDI इंजन, ठीक है, जो कि 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन होने वाला है, जिसको इस गाड़ी में यूज़ भी किया गया है इस टाइम पे। एंड तीसरा होता है 1.5 का डीजल इंजन। एंड पर्टिकुलर हम 1.5 टर्बोचार्ज इंजन की बात करेंगे तो इसमें 158 BHP के साथ में 250 Nm ऑफ टॉर्क इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप हुंडई से रिलेटेड किसी भी गाड़ी को कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या आप ढूंढ रहे हैं तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हिमगिरी हुंडई, जो कि लोकेटेड है कड़कड़डूमा दिल्ली के अंदर। एंड वीडियो में था इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में।